राम राम सा। नागौर जिला में भाई हनुमान बेनीवाल जी का नामांकन के अंदर आज ऐतिहासिक नामांकन रैली में मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार भाई हनुमान बेनीवाल जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पूर्व सेक्रेटरी, राजस्थान की सरकार का पूर्व मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष और नागौर जिला का विधायक भाई हरेंद्र मिर्धा जी, पूर्व मंत्री मंजू मेघवाल जी, विधायक लाडनू भाई मुकेश भाकर जी, विधायक प्रोफेसर भाई रामनियास गावड़िया जी, डीडवाना पूर्व विधायक चेतन सिंह चौधरी जी, पूर्व जिला प्रमुख बिंदु चौधरी जी, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा जी, पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल जी, पूर्व विधायक बिरदाराम चौधरी जी, पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, सलावत खां जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और सामने इकट्ठा वेड़ा इनागौर जिला की 8 विधानसभा क्षेत्र 19 तारीख में जो आप लोग जो भविष्य तय करो, जागरूक मतदाताओं, किसान भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, वो इतिहास रचवा जा रही है नागौर राजस्थान की 25 लोकसभा क्षेत्र और जिसके अंदर नागौर को एक अपने आप में इतिहास न केवल आज बल्कि सन 77 के अंदर स्वर्गीय नाथुराम जी मिर्धा बी टाइम अटू जीत गया। 77 के अंदर आप लोगों ने ध्यान है एकमात्र सीट 265 सीटों के अंदर सारी सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन बी टाइम नाथुराम जी मिर्धा इन नागौर को नाम रोशन करो। नाथुराम जी को मैं जिक्री वास्ता आप लोगों बीच में कर रही हूं, मैं नाथुराम जी को शिष्य रही हूं। हमारी राजनीति नाथुराम जी के माध्यम से शुरू होड़ी है, चाहे छात्र जीवन में हो भी के बाद के अंदर पे अंतिम आपका समय के अंदर मैंने अशोक गहलोत जी के साथ में जोड़ियो। इन नागौर जिला के अंदर आज नामांकन रैली के अंदर अगर मैं किसान की बात नहीं कर रहा तो गलत बात, नौजवान की बात नहीं कर रहा तो गलत बात, हनुमान बेनीवाल लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उम्मीदवार, इसके ऊपर आप लोगों ने 2-3 बात को मैं जिक्र करूं वो बहुत आवश्यक समझू। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसका अध्यक्ष और बड़ा लीडर मीटिंग के अंदर तय करियो कि नागौर की सीट प्रदेश का नेताओं से बातचीत कर और नागौर का स्थानीय विधायकों और पूर्व विधायकों बातचीत कर तय करी कि हनुमान बेनीवाल जी ने डे उम्मीदवार का रूप में चुनाव लड़ानो है। घोषणा हुई, जयपुर आया, मैं बातचीत करी, कालों को जलसो निकलियो, परबसर, मकराना, नावा, डीटवाना, लाडनू, जायल और नागौर आता था रात में 2 बजे। मां के साथ में पूरा दौरा को प्रसाद नागौर और थीमसर 2 विधानसभा क्षेत्र तो फिर भी छूट गई, लेकिन मैं आप लोगों ने निवेदन करना चाह रहा हूं वो चुनाव वो गठबंधन कांग्रेस पार्टी देश में करे एक एक सीट की कीमत बिकी बजाय वोट आप लोगों में पुराना लोग कई सालों वोट डालता आया हो और भी वोट डाल रहे हो, लेकिन जो कि परिस्थिति देश के अंदर बाहर बन रखी है देश का प्रधानमंत्री द्वारा और अमित शाह द्वारा लोकतंत्र की जो हत्या करी जा रही है, चुनी हुई सरकार गिराई जा रही है की प्रकार आप लोग देख सको, दिल्ली का मुख्यमंत्री हो चाहे झारखंड का मुख्यमंत्री हो की प्रकार जेल के अंदर डाल दिया गया, की प्रकार नेतन की प्रकार प्रताड़ित करा जा रहा है जबकि स्थिति आप लोगों को छुपी हुई नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बननी आवश्यक भी बात न सोचता हुआ हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी वो गठबंधन हुए। अरे वो गठबंधन अगर राजस्थान की विधानसभा में हो चुके होते तो आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ लोग गठबंधन नहीं करवा दियो जिसकी वजह आज अपन नुकसान हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई राजस्थान के अंदर, आप लोग किसान लोग और किसान जो बेल जो खेती का रूप में काम ले हुए बेल पर अगर रोक लगा को अगर कोई काम है
तो भारतीय जनता पार्टी का बजरंग दल द्वारा है, जो आपने सब लोगों के साथ के अंदर की प्रकार की वारदात हुई है, जो आप लोगों ने सबने चित्र पता है। हनुमान बेनीवाल जी, मैं छात्र जीवन की भी बात करूं, हनुमान बेनीवाल को जब नाम आवे, एक विधायक और एमपी की अलग बात, विधायक को एक एरियो लिमिट, एमपी को एक एरियो है, लेकिन राजस्थान की यूनिवर्सिटी जिसके अंदर पूरा देश का स्टूडेंट पढ़े, अंग्रेजी बोलबाला भी पढ़े, अंग्रेज काला भी धोड़ा भी हर प्रकार की लैंग्वेज वाला पढ़े, और बहु वोट ले लू, बहुत टेढ़ो काम है। मैं भी राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ी हूं, और मैं सोच लगाई बीते मैं आप लोगों ने बताना चाह रही हूं, मैं ई वास्ते आपने बताना चाह रही हूं कि हनुमान बेनीवाल जी और मैं दो लोग की प्रकार से की शुरू करी छात्र राजनीति नागौर जिला। आज मन गर्व है बात की, राजस्थान में खटे जावा तो लोग कहे के एक आदमी खटिया गया है, कि नागौर जिला का है तो सबसे बड़ी खुशी मन लोगों के नागौर जिला को नाम में मतलब बताया। मैं एलबीएस कॉलेज को प्रेसिडेंट हूं, मैं लो कॉलेज को प्रेसिडेंट हूं, ये राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर भी अध्यक्ष के ऊपर आज तक कोई जाट प्रेसिडेंट नहीं बन पायो। हमारी कोशिश ही कई यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट के ऊपर एक बार आप कामयाब हुआ। मैं चुनाव लड़ियो, एक बार नहीं कामयाब हो पायो, दूसरी बार लड़ियो फिर कामयाब नहीं हो पायो। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भैरव सिंह जी राजस्थान का मुख्यमंत्री और एक किसान का बेटा, जब मैं राजस्थान की यूनिवर्सिटी को छात्र संघ अध्यक्ष 1000 पदों जीतियो, आप लोगों बताना चाह रहे हो नाम रोशन करो आप लोगों को नागौर को, और बी टाइम घोषणा करी मंच के माध्यम के, भैरव सिंह जी चाहे भले ही बीजेपी की सरकार हो, लेकिन आज के बाद में अंदर राजस्थान की कोई भी कोना हो अगर एक भी छात्र एडमिशन ले बासी तो बिन 5% बोनस अंक मिलसी। भाई दिलीप हंत्रा हो, भाई अपन डेमचंद जी फौजदार हो, सब लोग जब बिटन यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे साथ में, ठीक है बात करें, हनुमान बेनीवाल जी भी लो कॉलेज का अध्यक्ष, भी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, दो नागौर का अध्यक्ष और राजस्थान की यूनिवर्सिटी को अध्यक्ष बनना। भाई मुकेश भाकर जी भी चुनाव लड़ियो, भाई रामनिहाल गावड़िया जी लो कॉलेज का अध्यक्ष रिया, लिंग दो कमेटी की चपेट में आ गया। एक बार हार बा के बाद में दूसरी बार लड़वा को और अधिकार नहीं हो, लेकिन मैंने हनुमान जी जरूर हो, मैं रगड़ता रहता हारता रहता जीत रहे बता दियो कि मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन चुका। रामचंद्र बता दू जरोड़ा जी, मैं बात मोटरसाइकिल वाली बात दूसरी अलग है, माकीर बा हनुमान जी वाली बात अलग, बात बतावे बात मना है। जारोड़ा जी तो मगे एलबीएस में किसान हॉस्टल में रहता, मैं भी किसान हॉस्टल में, अगर ये एस दी मोटरसाइकिल ही, अब कोई यार यूनिवर्सिटी में जबा किया की इच्छा ही तो क्यों यार ये जारोड़ा ने आज यूनिवर्सिटी नहीं जबा देनो है, तो भी ये एस दी मोटरसाइकिल की सीट ने कार्ड लुखा देता तो रामचंद्र जी जारोड़ा तकी और रखकर चले जाता, लेकिन जाता जरूर। तो छात्र जीवन की बात है, कई चीजें है, गठबंधन को असर 4 जून ने बता वाला था पूरा असर जो भी है, लेकिन मारा कहना है देखो भाई, मारी विधानसभा नावा अबार क्षेत्र कह रहा कि भाई टक्कर हो, मारी विधानसभा क्षेत्र बीजेपी को गढ़ रही है, जिसके अंदर नावार कुचामन 2 सीटी भी रही है, वो तो मैं किया जिया 2 बार एमएलए बन गयो बटे है। सन 77 बच्चे नाथुराम जी कांग्रेस सीट जीती ने बीटे भी, सब सीटा पर कांग्रेस जीती, बीटे भी नवाम बीजेपी जीती। ज्योति मिर्दा जी ने अशोक गहलोत जी मन बताई कि भाई कांग्रेस का कोई कैंडिडेट बताओ, पूछ लीजिए ज्योति जी, मैं गयो आगे घर सिरसी रोड के ऊपर, मैं क्या कांग्रेस पार्टी की इच्छा है, अशोक गहलोत जी की इच्छा है, कहूं कोई नाथुराम जी का परिवार के अंदर कांग्रेस वो चुनाव लड़े, मैं तैयार करया, मैं रात दिन मांगे साथ लग गया, खुद को जितनी उम्मीदवार जितनी मेहनत नहीं करी पीऊ तोड़ उम्मीद मेहनत करी, और पहली बार नवम बीटे में 8,000 की लीड कांग्रेस पार्टी ने जीतकर बन लोकसभा के अंदर पहुंचाया, लेकिन आज मैं पार्टी छोड़ चले गया। अरे जगह नाथुराम जी सत्यानाशी फूल कहता बीजेपी ने, आप सब लोग नाथुराम जी धमकी पर चले गया, जनता दल में चले गया, कांग्रेस में चले गया और पार्टी बना ली, लेकिन बीजेपी में कदम नहीं गया। वास्ते हमारा आपने सबने इतो निवेदन करना है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी स्थिति है राजस्थान की, कांग्रेस सरकार पिछला 5 साल में जगह ऐतिहासिक काम कराया। भाई हनुमान बेनीवाल जी भी खीमसर के अंदर खूब काम कराया, खूब सड़क लिया, खूब कॉलेज खुलवाई, और मुकेश जी हो चाहे मंजू जी हो चाहे रामनिहाल जी जाकिर भाई चेतन जी, मैं तो जिलो ही बनवा दी हो नहीं हो, मगर ड्राड होगी दुनिया के मान के भाई कहीं कहें तो डी डोनार खुचमन मिलार बना लियो, मैं
पद में मारो और कुछ अमन नारो बना लियो, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाया। 10-10 कॉलेज खुला दी, पानी की स्कीम ला दी, कोई बात नहीं। लेकिन 3-4 महीना का ही बीजेपी का कार्यकाल के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हाहाकार मचेड़ो है, चोरियां हो रही है, अपहरण हो रहा है, लोगों की खाना मजदूर जगह डूंगर के ऊपर छोटो पेट भरता, बाकी हालत खराब हो रही है, कोई काम हो रही नहीं है, राज्य में कोई सुनवाई हो रही नहीं है, कोई मंत्री सीएम या जो भी चीज कोई के समझ में ही नहीं आ रही है कि वो राजकुंड चला रही है, हालत कुल मिलाकर खराब है। भी बात वहां पर ठेठ बाद में बात करा, अब आज तो आप लोगों से हमारा निवेदन है, बहुत अच्छा माहौल है। मैं भी कोशिश करा नावा के अंदर, बहुत अच्छा प्रयास करा हनुमान जी, मैं आपने ही बात को पूरा विश्वास दिला रही हूं, नावा के अंदर खुद का चुनाव में जितनी मेहनत नहीं करी भी ज्यादा मेहनत कर, और आपने बढ़त दिलावा चाहे किताब मोटा की बढ़त दिलावा, आप लोगों ने कहना चाह रही हूं। बैठे नौजवान नावा का कहीं भाई, हेलो बैठे नुंदा राम जी पुराना सरपंच बैठे मगे, बीरमा राम जी डूकिया, गुलाब जी मुआर पे बैठे बैठे सारा, और भी कार्यकर्ता लारे भी कई कार्यकर्ता सब जगह बैठे हैं, सब तैयार है, पूरी मेहनत करा। और 8 विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब लीड की बात नारायण जी बता रहा, तो 1 लाख की जावे, 2 लाख की जावे, 3 लाख की जावे, 4 लाख की जावे, अरे इन एक बार सागेड़ी से लीड दे दो नागौर के अंदर, ताकि 4 जून रिजल्ट आवे और नागौर को नाम हिंदुस्तान के अंदर एक बार फेंक सके, और काम आप लोगों ने करना है। अरे जब कांग्रेस को हाथ और आरएलपी को बोतल को निशान, दोनों का वोट 80% वोट हुए, बीजेपी के तो 70% वोट बचे है, वास्ते मारो आप लोगों ने सबने कहना है पूरी मेहनत करनी है, पूरा ध्यान देना है। अब हनुमान जी तो कोई नेता है, बड़ा नेता है, अब बड़ा नेता, अब अनजानू पड़ सी राजस्थान में और सीटा पर भी, क्योंकि खाली आपका अटको उम्मीदवार था, गठबंधन थोड़ी करी एक पार्टी, एक कांग्रेस का जगह हाथ का निशान पर जगह चुनाव लड़ रहा है, बाकी 23 सीटा पर बटे भी प्रचार करवा जैसी, अब पार्टी अन कोई बटे हरियाणा में और यूपी में बिहार में बुला ली, और कोई हेलीकॉप्टर अन देसी तो बटे ही जानू पड़सी, अन तो जानो सब जगह पड़सी, लेकिन अपन संभालना है, अपन कामयाब करना है। हनुमान बेनीवाल एक उम्मीदवार है, हर आदमी हनुमान बेनीवाल बनना है, और कड़ी मेहनत कर, और 19 तारीख ने भारी मतदान करना है इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार के पक्ष में, ताकि 4 जून में जब रिजल्ट आवे तो हर कार्यकर्ता को नाम हिंदुस्तान का नक्शा के अंदर नागौर 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 होवे, हमारी अपील आप लोगों ने करनी है। बहुत सुबह हूं बैठे हो और बात करा, बिल्कुल आप लोगों ने सबने धन्यवाद देना चाह रहा हूं। अब भाई कई लोग कहता हनुमान बेनीवाल जी कहीं कहीं बोल जाए, कहीं बोले भाई काल सुन लियो, काल अगर परबसर में सुन लियो, मकराना में सुन लियो, नवा में सुन लियो, डीडवाना में और लाडनू में जाहिल में, कि बोलिया कि गलत कोई तान बोलिया कि बता दो तो हम कोई, अब कह दियो खुद कह दियो ही बात ने, आपकी बात ने जिकी बार आपके संबोधन में कर सी अठे भी देख लीजिए आप, अब जगह कोई बात दूसरी पार्टी वाला जगह लोग जगह मंचा के ऊपर बोल जाए है, अब कोई बात सुने जो झाड़ आवे में कि झाड़ ने थामो थोड़ी कोई जरूरत नहीं है बार, और झाड़ खाबा के टाइम नहीं है, संयम राखनो पड़ी, और संयम राखो, प्रचार करो, हाथ जोड़ो, लोगों को अपील करो, लोगों को मानस, लोगों की जनता की भावना है, ये नागौर के अंदर बहुत अच्छी भावना है। अब बड़ा लीडर की मीटिंग हुई अभी जब क्षेत्र में जावा, और भी आज कई और लोगों ने बुलावा की इच्छा ही, लेकिन सब जगह नामांकन को आज आखिरी दिन है, वास्ते सब आप आपका और भी पार्लियामेंट सीट पर गेड़ा है। पुनः मैं एक बार हनुमान बेनीवाल जी को बहुत आभार बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रही हूँ, और आप सब लोगों ने आई निवेदन कर रही हूँ कि भारी मतदान कर बोतल का निशान पर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार ने भारी बताऊ कामयाब कर, और पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों ने भेजनी है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब।